अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर में भी जश्न की तैयारी है। माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी व मायके जनकपुर में लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। त्रेता युग के बाद पहली बार दामाद के घर गृह प्रवेश है, तो ऐसे में ससुराल से भार यानी मायके से बेटी के ससुराल में भेजे जाने वाले सामान की पूरी तैयारी है। परंपरा के अनुसार दामाद के गृह प्रवेश के लिए जनकपुर से 4 जनवरी को उपहारों का भार भेजा जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से त्रेतायुगीन आध्यात्मिक रिश्तों की डोर मजबूत हुई है। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास वैष्णव ने बताया है कि पूरे जनकपुर धाम से भार लेकर लोग आ रहे हैं, जिसे अयोध्या पहुंचाया जाएगा। भार में पकवान, तेल मसाले, मेवा, चूड़ा, मखाना और कपड़े से लेकर आभूषण तक हैं। बता दें कि मिथिला की पुरानी परंपरा है, जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो मायके से फल, पकवान, वस्त्र, आभूषण समेत कई जरूरत की सामग्री भेजी जाती है। कुछ ऐसा ही उत्साह का माहौल है रामलला के नए गृह प्रवेश को लेकर। पिछले 70 साल से टेंट में रामलला विराजमान थे, अब भगवान राम घर जाएंगे तो लोगों में खुशी का माहौल है। ये खुशी भारत के अलावा माता सीता के मायके में भी देखी जा रही है। इस संबंध के जरिए लोग खुशी के मारे अभिभूत हो रहे हैं। नेपाल का जनकपुर माता सीता का मायके है। नए गृह प्रवेश को लेकर जनकपुर वासी खासा उत्साहित हैं और अपनी बहन बेटी के लिए गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में कीमती से कीमती सामान नेपाल से आगामी 3 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना करने की तैयारी है। प्रवेश करने के लिए जो हमारे समाज में परंपरा से एक रिवाज, सदियों से एक रिवाज चले आ रहा है कि जब बेटी विदा होते हैं, बेटी विदा होते हैं तो उनके साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार की जो है सो उसका भार सज्जा के तौर पे भार जो है सो विभिन्न प्रकार उसमें कयों हजारों संख्या के सामग्री सब जो है सो अर्पण किया जाता है। भार स्वरूप जो है सो किशोरी जी के साथ जाता है। इसको लेकर यहाँ तैयारी जोर शोर से चल रही है। जो सामग्री भेजी जाएगी उसमें फल, मिष्ठान, सूखे मेवे, वस्त्र, मिठाई, आभूषण समेत रामलला के लिए धोती, गमछा और बनियान तक शामिल है। ये सभी सामग्री जनकपुर वासी खुशी खुशी भेज रहे हैं और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जनकपुर से मिथिला के लिए 500 की तादाद में लोग यहाँ से निकलेंगे। जंगल के रास्ते ये काफिला हाईवे पर मिलेगा। 4 जनवरी को नेपाल के चंद्रपुर होते हुए रक्सौल जाएंगे, फिर बेतिया में रात्रि विश्राम होगा। 5 जनवरी को कुशीनगर गोरखपुर होते हुए शाम को अयोध्या पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम वहीं होगा। 6 जनवरी को नेपाल के लोगों के द्वारा घरवासी की सामग्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। जनकपुर के राम जानकी मंदिर के महंत रोशन दास ने बताया है कि अब तक इस पूरी प्रक्रिया को लेकर नेपाल में सरकारी अधिकारी और पर्यटन विभाग के साथ कुल 5 बैठकें की जा चुकी है। इसी प्रक्रिया के तहत राम जन्मभूमि ट्रस्ट से बात भी हो चुकी है। ससुराल से तो स्वाभाविक है सौगात लेकर के जाऊंगा, क्योंकि हमारे जानकी सीता का ससुराल में घर नहीं था, बहुत दिनों से विवादास्पद था, लेकिन बहुत बड़ी अब महल बनी है और महल बना है। इसमें जनकपुर वासी मिथिला वासी बहुत उत्साहित है, खुश। जनकपुर धाम के सिमरदही मठ के महंत डॉक्टर रविंद्र दास वैष्णव ने कहा है कि प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाए जाने से नेपाल में गर्व और उत्साह है। त्रेता युग के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है कि जनकपुर धाम से अयोध्या भार भेजा जा रहा है। जनकपुर धाम में लोग स्वेच्छा से भार लेकर आ रहे हैं और अपना नाम लिखकर उसे जमा कर रहे हैं। हर टोकरी पर देने वाले का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है। अभी तक 20,000 उपहारों की टोकरी जमा हो गई है। महंत राम रोशन दास के अनुसार ये सभी टोकरियाँ भार को ट्रकों में भरकर अयोध्या ले जाया जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार माँ जानकी उनकी बेटी भी हैं और माता भी।